हेलो दोस्तों, सबसे पहली जो न्यूज आ रही है वो आ रही है बादशाह की तरफ से। तो आपने योयानी सिंह की वो क्लिप तो देखी ही होगी, नैनो और रॉयल्स रॉयस वाली। आपके एब्सेंस में बीच में बादशाह हैज टेकन ओवर। तो रॉयल्स रॉयस चलाई है आपने कभी? रोल्स रॉयस और नैनो में बहुत फर्क होता है। तो आज बादशाह ने अपने इंस्टाग्राम पे उनकी रोल्स रॉयस की एक पोस्ट डाली हुई थी और उसके नीचे किसी ने कमेंट करते हुए लिखा हुआ था, रोल्स रॉयस चलाने से तू रोल्स रॉयस नहीं बन जाएगा, तू तो नैनो ही रहेगा। तो इसका रिप्लाई करते हुए बादशाह ने लिखा हुआ था, मैं रोल्स रॉयस में ही ठीक हूँ। इसके बाद ये कमेंट उसने हटा दिया और बादशाह ने एक कमेंट किया जिसपे लिखा हुआ था, भाई वो रोल्स रॉयस वाला कमेंट डिलीट कर दिया क्या? तो सब पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगली जो न्यूज है वो आ रही है रफ्तार की तरफ से। तो आपको पता होगा कि अभी कुछ महीने पहले ही एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी जिसमें कि रफ्तार ने बताया हुआ था कि जो डोप सोप सॉन्ग है वो उन्होंने लिखा था। मैंने पहला गाना स्वैग मेरा देसी सुना था, लेकिन 10 साल बाद मुझे पता चला मैंने पहला डोप सोप सुना था। ए कुड़ी जे मैच उसमें एंड में सिर्फ एडलिब रह गए मेरे। पर अभी योयानी सिंह का एक इंटरव्यू आया हुआ है जिसमें कि उन्होंने कहा हुआ है कि वो खुद उन्होंने ही लिखा हुआ था और क्यों लिखा हुआ था वो भी उन्होंने बताया हुआ था। लड़की क्या एक्सेंट में बात कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, मैं वो सुनता था रात को 2-2 बजे जाके उनकी कैंटीन में, जब वो दारू पीते थे उनके बीच में बैठा, उनको पता भी नहीं होता यानी सिंह उनके बीच में बैठा हुआ है। पहली बार नशा करते हुए एक लड़की को रोल जॉइंट बनाते पहली बार देखा, तो मैंने गाना लिखा था टेना वीना डोप शो मारे करो। इट्स बेसिकली एंटी ड्रग सॉन्ग, बट उसको मीडिया ने उल्टा कर दिया कि प्रमोट कर रहा है ड्रग्स को, लेकिन वो कह रहा है कि एना वीना डोप शो मारे करो। तो वो सब मैंने कल्चर देखा और लिखा। तो आज भी मेरी कोशिश ये रहती है कि अब मैं 5 साल मैंने काम नहीं किया, मैं घर पे था बिल्कुल यार, जो मैं 10 साल पहले कर रहा था वो तो बाकी लड़के भी बहुत कर रहे हैं, मैं वो नहीं करना चाहता। साथ ही योयानी सिंह का जो काला स्टार सॉन्ग आ रहा है उसका टीजर रिलीज हो चुका है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली जो न्यूज है वो आ रही है रागा की तरफ से। तो मैंने आपको बताया हुआ था जो सुब वाली कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी उसमें सिद्धू मूसेवाला के इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ स्टोरीज आई हुई थी सुब को सपोर्ट करते हुए। तभी रागा ने एक ट्वीट किया जिसपे लिखा हुआ था, हर कम्युनिटी के पीसफुल लोग आके अपनी कम्युनिटी के एक्सट्रीमिस्ट्स के एक्शन की दुहाई देने लगे, तो यहाँ फिर सब ही अच्छे हैं और जो चले गए उनको अपना पॉइंट रखने के लिए इस्तेमाल मत करो, ये बहुत उच्च तरीका है किसी को माफी दिलवाने का, #RIP सिद्धू मूसेवाला। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।